हर रिकॉर्डिंग में वीडियो जितना इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है एक साफ ऑडियो। तो आज हम उसी के लिए थोड़ा सा साफ और सहूलियत कैसे हमें मिल सके ऑडियोज़ में, उस पर बात करने जा रहे हैं। रोड वायरलेस का नाम आपने सभी ने सुना होगा, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो रोड वायरलेस गो टू का जो वायरलेस सिस्टम है माइक्रोफोन का, उसके बारे में बताऊंगा और उसे कैसे कम्प्लीटली वायरलेस बनाया जाए विद अ प्रॉपर साउंड, है ना। जैसे कि आप जानते हैं ये ऑडियो के लिए इस्तेमाल आता है, लेकिन हम जैसे कई बार लेवलियर माइक का इस्तेमाल करते हैं, ये जो माइक्स होते हैं कॉलर माइक, या आप कॉलर पे लगा लेते हैं, इस प्रकार के माइक्स होते हैं, है ना, आप इनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप रोड का ही इस्तेमाल करें तो इसमें भी माइक्रोफोन होता है, इसको आप लगाकर यहाँ पे क्लिप कर लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा दिखता है। तो कई बार आप करते हैं लेवलियर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं, लैपटॉप में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बताने वाला हूँ, सरल वैसे तो नहीं कहना चाहिए इसे, लेकिन हाँ आसान आपको कर देगा, वो है ये लेवलियर का जो हेडसेट आ जाता है ये आपके यहाँ लग जाएगा, प्रॉपर ऑडियो आपको मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं माइक्रोफोन जितना मुंह के नजदीक होता है उतना अच्छा साउंड होता है। ये माइक मेरे मुंह के नजदीक है इसीलिए इतना अच्छा साउंड कर रहा है, दूर होता तो ये कैसा साउंड करता अभी आपको सुनाई देता है। अगर मैं इतना दूर चले जाऊं तो आप देख रहे हैं ये कंडेंसर माइक है इसीलिए ये फिर भी मेरी आवाज को पकड़ रहा है। जैसे ही मैं नजदीक आता हूं तो आप देख रहे हैं वॉइस लेवल मेरा इंक्रीज हो गया, अच्छा हो गया। इसी तरह से हम डायनामिक माइक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाई ये डायनेमिक माइक्स हैं, इसमें भी नज़दीक रहता है तो ज़्यादा अच्छा आता है भाई, स्वाभाविक है। और वो हमारे वोकल डायनेमिक्स पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से गा रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर ज़्यादा ऊंचा है तो हमें थोड़ी दूरी बनाई रखनी होगी, वो वाली चीज़ है। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए इसको रिव्यू करते हैं। वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया इश्क में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रोड वायरलेस गो टू का पूरा सेटअप है। अब इसमें एक एक चीज़ क्या क्या है वो मैं इंडिविजुअली तो आपको बता ही दूंगा। वैसे आप देख लीजिए ये जो बॉक्स है ये वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ये विंडशील्ड्स हैं, ये इसकी सी टाइप केबल है, और ये कैमरा में कनेक्ट करने के लिए इसकी एक केबल है, ये मोबाइल और लैपटॉप में, ये SC3 अडैप्टर है, ये आपका आईफोन के लिए 3.5 mm टू आईफोन की जो लाइटनिंग केबल है उसका अडैप्टर है, ये लेवलियर माइक अगर आप कोई इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ सेनाइज़र का लेवलियर माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लपेल माइक जिसको कहते हैं, उसका हेडसेट है कि आप अगर उसे आप इस तरह से लगाना चाहें जैसा कि इस तस्वीर में भी दिख रहा है। अभी इसको हम इंडिविजुअल भी देख लेंगे। ये इसका पाउच है जिसमें कि आप ये तीनों चीज़ें रख सकते हैं, प्लस चार्जर वगैरह भी इसमें आप रख सकते हैं। अब इंडिविजुअल एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या काम करता है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं दो इसके ट्रांसमीटर्स, एक इसका रिसीवर है। अब इसे ऑन करने के लिए यहाँ इसका सिंपल सा सिस्टम दे रखा है, ये जो पावर बटन है इसे आप 3 सेकंड तक प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाएगा, और दूसरे वाले को भी आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे इसकी चार्जिंग की और पेयरिंग की जो लाइट है वो आपको ब्लिप करती नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है। अब आप इस वाले को सेकंड को भी ऑन करेंगे तो ये भी पेयर हो जाएगा और दो इसमें आ जाएंगे। अब इसमें स्प्लिट भी आप कर सकते हैं ऑडियो, यानी कि इंडिविजुअल एक एक का अलग अलग ऑडियो आएगा, एक लेफ्ट कान में आएगा एक राइट कान में आएगा, ऐसा भी हो सकता है। और आप चाहें तो इसका जो पूरा सेटअप है, मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, ये आप इंटरनेट पर कहीं भी चेक कर सकते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, पर मैं अभी आपको इसको वायरलेस कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। ये प्रॉपर सेटअप है। आप चाहो तो इसका ये माइक है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसको डायरेक्ट लगा के शर्ट में आप प्लग करके, या फिर आप चाहो तो इस तरह से एक लेवलियर माइक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने सेनाइज़र का लेवलियर माइक ले रखा है, वैसे आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, बोया का भी आता है, अच्छा आता है, लेकिन आई प्रेफर्ड सेनाइज़र बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें ऑटोमेटिकली साउंड जो है वो कंप्रेस्ड होकर आता है, यानी अगर ये आपके मुंह के भी बहुत ज़्यादा पास है तो ये साउंड क्लिप नहीं करेगा जो कि बोया करता है, तो वो इसमें खास बात है। मगर एक थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि ये जो है आप देख सकते हैं इसमें ये 3 लाइन बनी हुई हैं, तो इसके लिए हमें एक अडैप्टर लेना पड़ता है। ये वो अडैप्टर है TRRS टू TRS अडैप्टर जो कि ये है। अब आप देख सकते हैं इसमें ये जो 3 लाइन है इसका मतलब हो जाता है ये TRRS केबल है, और ये जो है ये TRS केबल है, यानी कि दो में ये आपको कन्वर्ट करके देता है। तो तब आप इसको इसमें अटैच करके उसके बाद ये आपका जो रिसीवर है इसमें आप यहाँ इसे अटैच कर देते हैं, तो ये आपका माइक जो है। अब ये आप इसको ये जो इसकी क्लिप आती है ये अटैच कर दीजिए यहाँ पे, इस तरह से
आप इसे लगा सकते हैं और ये इसका विंडशील्ड है, ये लगा दीजिए। अब ये आप कहीं पे भी क्लिप कर सकते हैं, अपनी शर्ट पर या कॉलर में, जहां भी आपको करना है, और आप यू नो यू आर रेडी टू गो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे रिकॉर्ड करने के लिए दो केबल्स अलग आती हैं, एक ये केबल है जो कि इसके साथ आती है, जैसे कि मैंने आपको ये केबल बताया था SC3, ये इसके साथ में नहीं आएगी इसके बॉक्स में। इसके बॉक्स में केवल दो ट्रांसमीटर्स और एक रिसीवर आएंगे। ये विंडशील्ड्स, यानी आप ये माइक के ऊपर लगा दीजिए तो हवा का रुकाव आ जाता है, और ऐसी सी टाइप आपको चार्जिंग केबल्स, तीन चार्जिंग केबल्स आपको मिल जाती हैं साथ में। अब ये जो केबल है ये इसके साथ आ रही है, ये केबल आप दोनों साइड से देख सकते हैं, TRS केबल है, यानी दो लाइन वाली केबल है। इसको कैमरा में आप लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका ऑडियो डायरेक्टली कैमरा में रिकॉर्ड होगा। लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड करने की एक समस्या ज़रूर है कि ये एक ही साइड रिकॉर्ड करेगा अगर आपने एक रिसीवर ऑन किया है। दोनों रिसीवर ऑन करेंगे तो ही ये दोनों साइड रिकॉर्ड करेगा। आई डोंट नो ये सारे कैमराज में है, बट मेरे कैमरा में ये इशू आया था। अब आपको अगर फ़ोन में रिकॉर्ड करना है या फिर लैपटॉप्स में कनेक्ट करना है तो ऐसी केबल आप ले सकते हैं। वैसे बेसिकली ये केबल और ये जो केबल है ये काम एक ही करती है, बिकॉज दे बोथ आर कन्वर्टर्स। ये आपको TRRS से TRS में कन्वर्ट करके दे रही थी, यानी तीन लाइन वाली से दो लाइन में कन्वर्ट करके दे रही थी, और ये भी वही काम करती है, ये तीन लाइन वाली से दो लाइन में कन्वर्ट करती है। बेसिकली ये दो लाइन वाली ही आपकी रोड में वर्क करती है, तीन लाइन वाला आप कनेक्ट करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा इसीलिए। तो बेसिकली ये दोनों केबल एक ही काम करती हैं, लेकिन आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये अलग से आपको लेनी पड़ती है, 1000 रुपीज़ की मेरे ख्याल से ये केबल पड़ेंगी आपको। तो ये आपको क्या करेंगी, फ़ोन में रिकॉर्ड करने का आपको अवसर दे सकती हैं। अब अगर आप आईफोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं ऐसा एक अडैप्टर आपको लेना पड़ता है जो कि 3.5mm जैक से लाइटनिंग तक आपको कन्वर्ट करके देता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो कनेक्टर है ये आपने थ्री लाइन वाला ये आपने इसमें कनेक्ट कर दिया, ये अब आपका आईफोन के लिए बन गया। ये डायरेक्ट आप आईफोन में लगाइए, ये डायरेक्ट आप रिसीवर में आप ये लगा दीजिए, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब आप ये डायरेक्ट आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर इसको हटा दें तो ये आप किसी भी नॉर्मल फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन में जिसमें 3.5mm जैक होती है, या फिर आईफोन में भी अगर आपके 3.5mm जैक है। और ये आपके कैमरा के लिए है, और ये भी सेम ही सिस्टम है कि आपने ये जहाँ रिसीवर में लगाया हुआ था इसका एक एंड वो आप यहाँ लगा सकते हैं, और दूसरा एंड इसका कैमरा में लग जाएगा। दोनों ही एंड TRS है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप चाहें तो लैपटॉप से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आप इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी टाइप पोर्ट है, ये किया और ये डायरेक्ट आपका लैपटॉप में लग जाएगा। जूम ऑडियो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपना FL स्टूडियो, अगर कोई भी डॉ इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे FL स्टूडियो में अगर करते हैं तो वहाँ पे FL स्टूडियो एशियो करके आता है, जिसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कोई दूसरा इस्तेमाल करें तो डॉ इस्तेमाल करते हैं तो बात अलग है। तो ये कुछ इसका प्रोसेस हो गया। अब इसको कम्प्लीटली वायरलेस तो हमने बना लिया, लेकिन स्टिल अगर हम इस तरह के अडैप्टर, इस तरह के माउंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आपके मुंह पे लग जाता है, और यू नो इट्स थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक होएगा और साउंड भी प्रॉपर आएगा, बिकॉज स्वाभाविक सी चीज़ है, माइक जितना मुंह के पास रहता है उतना साउंड अच्छा आता है, है ना। अब हम हर तरह का साउंड एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, आपको मैं इन सब का साउंड अलग से इंडिविजुअल सुना देता हूँ। ये इसका ट्रांसमीटर है। इस ट्रांसमीटर में अगर आप रिकॉर्ड किस में करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। ये हमारी वो केबल है जो फोन्स में या फिर आपको लैपटॉप में रिकॉर्ड करने में मदद करती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये TRS अडैप्टर है, यहाँ पे TRRS अडैप्टर है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये कैमरा के लिए है, ये जो केबल है ये आप डायरेक्ट कैमरा में और एक इसमें कनेक्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके अगर आपको सबका साउंड सुनाऊं तो इसका जो कंप्लीट सेटअप बनता है, जो मैं अपने हिसाब से किया है, वो क्या है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये लेवलियर माइक लिया, और ये SC3 केबल जो अडैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो लेवलियर माइक है ये TRRS है, 3.5mm जैक है, लेकिन ये तीन लाइन इसमें बनी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट रोड में कनेक्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आपको एक अडैप्टर लेना पड़ता है। वो ये है, वो SC3 अडैप्टर आता है जो TRRS से TRS में आपको कन्वर्ट करके देता है, यानी जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें दो लाइन है, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये इसको इससे कनेक्ट किया मैंने सबसे पहले, तो अब ये रोड के लिए, ये मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, सनाइजर का मेरा ये माइक है, लपेल माइक, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया और अब ये TRS में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपने रिसीवर में लगाया, यहाँ से अब ये साउंड को पकड़ने लग जाएगा। आप इसमें मॉनिटरिंग देख सकते हैं, हेलो हेलो, इतनी मॉनिटरिंग आ रही है। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल आप इंटरनेट पे दूसरे वीडियोस हैं उसमें देख लीजिएगा कि कैसे आप इसको इसका इसकी फंक्शनिंग कर सकते हैं, इसका साउंड कैसे सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब मैं इसका साउंड अगर आपको सुनाऊं तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था, ये फ़ोन्स के लिए इस्तेमाल होने वाली केबल है, तो ये
जो साइड है ये आपका, क्योंकि मैं आईफोन में रिकॉर्ड करूँगा तो ये इसमें गई, और ये जो साइड है ये आपके रिसीवर में लगा दिया। अब ये रेडी टू गो है। इसको मैं आईफोन में रिकॉर्ड करके आपको इसका ऑडियो सुनाऊं। 3.5 mm जैक अगर आपके फ़ोन में नहीं है ऐसी वाली, तो आप आईफोन के लिए लाइटनिंग जैक का कन्वर्टर ले लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसका मैं साउंड आपको आईफोन में रिकॉर्ड करके सुनाऊं तो कैसा आता है। ये मैंने आईफोन में कनेक्ट कर लिया है। अब इसका मैं ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करता हूं, क्योंकि इसका ऑडियो रिकॉर्डर में ज़्यादा साफ आवाज़ आती है बनिस्बत के वीडियो के, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। आप इसमें देख पा रहे होंगे अभी कोई वेव नहीं बनेगी अगर मैं चुप रहता हूं। इस वजह से मैंने लेवलियर माइक जो है सेनाइजर का लिया, बिकॉज ये बहुत साइलेंट माइक है। अब जैसे जैसे मैं इसको जितना पास मैंने रखा है वैसा वैसा इसका साउंड आप देख सकते हैं आ रहा है। अगर मैं इनफैक्ट कुछ गाता भी हूं तब भी साउंड क्लिप नहीं होता, ये सबसे खास बात है इसकी। जैसे अगर कुछ गा के बताऊं तो ग म द नी द ग म ग ए न रे ए न रे न न, तो आप देख रहे हैं ये ऐसा साउंड इसका आपको सुनाई दे रहा है। अब इसे और स्वाभाविक सी चीज है कि अगर मैं इसे क्लिप कर दूं यहां कॉलर पे, यहां पे मैंने इसे क्लिप कर दिया जैकेट पर, तो ये इस तरह से इसका साउंड आता है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कम है साउंड। इसको जितना नजदीक ले जाएंगे उतना साउंड अच्छा आ जाएगा, है ना। तो अब इसको नजदीक करने के लिए मैंने क्या किया, एक हेडसेट का सिस्टम मंगाया। अब वो कैसे इस्तेमाल होगा वो भी देख लीजिए। ये इसका हेडसेट है। वैसे इसका रोड का भी ऐसा माइक भी आता है जो डायरेक्ट हेडफोन माइक है, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो आप इस तरह से इसका हेडसेट माउंट मंगा सकते हैं और ये आपके कान में इस तरह से लग जाता है। ये आपने लगा लिया इस तरह से, ये आपके मुंह के नजदीक आ जाता है। तो ये यहां रहेगा तो ये कंप्लीटली वायरलेस भी हो गया। 200 मीटर की इसकी रेंज भी है और आपके मुंह के पास भी है तो साउंड भी अच्छा आएगा। अब इसे कैसे अटैच करना है वो देख लेते हैं एक बार। ये इसका जो माउंट है इसमें हम इसको अटैच करते हैं। ये इसमें अटैच किया, वैसे बेसिकली इसमें आप कोई सा भी माइक लगाएंगे तो इसमें सेट नहीं होता है, क्योंकि ये रोड का ही है तो इसमें रोड का ही लेवलियर लगता है, उसी हिसाब से इसका माउंट बनाया हुआ है। लेकिन रोड का भी स्वाभाविक सी माइक जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सेनाइजर का ले रहे हैं, ये भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर उतना नहीं। तो ये हमने इसको यहाँ अटैच किया, थोड़ा सा इसको यहाँ ट्विस्ट कर दिया, ये लिया और अब ये आपने अपने यहाँ लगा दिया। ये जो पूरी केबल है इसको आप चाहें तो बैक में बैक साइड डाल सकते हैं इस तरह से। अब ये कंप्लीटली आपके मुंह के पास में है और इसका जो ऑडियो है आपको आईफोन के हिसाब में सुनाई दे ही रहा होगा कि किस तरह से आ रहा है। अब ये माइक जितना इस तरह से थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, ये इसके माइक का लेवल हो गया। आप चाहें तो इसका गेन जो है वो यहां से भी सेट कर सकते हैं। इसका गेन इसमें एक बटन आता है डीबी का, ये फुल हो गया है, ये तो थोड़ा सा क्लिप करेगा, ये एकदम लो है तो ये भी थोड़ा अच्छा साउंड आ रहा है। तो अगर इसमें मैं गाता भी हूँ, जैसे इतना करीब है मुंह के और मैं अगर गाता हूँ तो ग म द नी द ग म ग ए न, ये मीडियम कर दिया। अब ये गेन थोड़ा सा जैसे बढ़ गया है और मीडियम में ही थोड़ा अच्छा साउंड करता है, लो में ज़्यादा बढ़िया नहीं करेगा। इसकी डिटेल्स आप और भी इंडिविजुअल इसके अलग अलग वीडियोस हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से आप वायरलेस बना सकते हैं। तो अगर ऐसे मैंने कर दिया तो मुझे ये पूरा पर्टिकुलर बड़ा माइक लगाने की जरूरत नहीं, प्लस ये मैं कहीं आउटडोर भी आपको शूट करके बता सकता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्प्स दूंगा बाहर इसको लगाकर कि कैसा साउंड आता है। तो जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं अभी मैं बाहर हूँ, अगर मैं अंदर शूट करता तो आप देखते हैं कि माइक लगाना है, केबल्स लगानी है, उसकी एक लिमिट है। वो वायर्ड सिस्टम है कि जिसमें भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए और वो पूरा बड़ा सिस्टम होता है। अब ये वायरलेस सिस्टम है, ये इसका फोन में कनेक्टेड है ना कि कैमरा में कनेक्टेड है। कैमरा में नहीं है तो स्वाभाविक है मैं कैमरा से कितना भी दूर जा सकता हूं और तब भी इसका साउंड प्रॉपर आएगा। और ये फोन में रिकॉर्ड हो रहा है तो ये हैंडहेल्ड है, कहीं भी आप इसको लेकर घूम सकते हैं, आउटडोर शूट कर सकते हैं। जैसा कि मुंह के पास में है तब भी आप देख रहे हैं आसपास का शोर उतना नहीं आ रहा है। अब यही अगर मुझे रिकॉर्ड करना होता, अगर मैं बाहर कहीं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे वायर्ड कोई माइक इस्तेमाल करना पड़ता जिसमें कि बाहर का साउंड ज़्यादा आता सबसे पहले, और वायर्ड सिस्टम भी मैं लगा नहीं पाता। अगर मैं माइक लेके घूमूंगा तो माइक में केबल है, केबल के साथ मशीन है, वो कहाँ अटैच होगी। अभी इसमें आप आसपास शोर देख सकते हैं तब भी उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है वो शोर, क्योंकि ये मेरे मुँह के नज़दीक है। अब जितना ये मेरे मुँह से दूर होगा, अगर ये लपेल माइक मैंने यहाँ लगाया होता चेस्ट के
तो साउंड कम आ रहा होता है ना। तो ये एक फ़ायदा है इसका कि आपने यहाँ लगा लिया है, तो आप कहीं भी होंगे, बाहर भी होंगे और ये मुंह के नज़दीक है तो आपका साउंड प्रॉपर आएगा। तो ये इसका थोड़ा सा साउंड टेस्ट था बाहर का।